शादिया कुछ खाओ तो सही। अम्मा बस रहने ही दो, मुझे कुछ नहीं खाना। आपको पता है मैं कितनी टेंशन में हूँ और घर में कितनी टेंशन चल रही है। बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन इस बात का भी पूरा यकीन है मुझे कि फारूक पे इस बात का कोई असर नहीं होगा। बात के असर का वक्त गुजर चुका है, अभी सिर्फ पैसों का इंतजाम करना है। अम्मी अभी तो मैं आपके पास आई। क्या मतलब, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात, क्या कहना चाह रही हो? मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है बाहर जाना कितना मुश्किल है। एजेंट की फीस जमा करवानी है, दूसरे अखराजात के खर्चे, और कोशिश करते करते भी ना 3 लाख रुपए रह गए हैं बस। अरे शादिया मैं तो तुम्हें ये कहूंगी कि फारूक को समझाए कि अपना पैसा बर्बाद ना करे। अरे खावर का हशर नहीं देखा, बाहर जाने की धुन में तमाम पैसे बर्बाद कर दिए उसने। अम्मी वो कहता है कि अगर खावर ने पैसा बर्बाद भी किया है ना तो कमाया भी है। उसे तो ये लगता है कि ये जो स्टोर है ना ये उसकी सेविंग से शुरू हुआ है। सेविंग? हाँ। अरे एक धेला भी नहीं था खावर के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्जे लेके उसने स्टोर खोला है। और मैं तो परेशान हूँ कि अब ये कर्जे वापस कैसे करेगा। लेकिन क्यों अम्मी, उसका साला तो बड़ा अमीर है, उसने कोई मदद नहीं की उसकी? अरे रहने दो, रूखे मुंह पूछा तक नहीं उन लोगों ने। मुझे नहीं पता अम्मी, कुछ भी हो आप खावर से कहें कि कुछ करे फारूक के लिए। अम्मी प्लीज, अरे क्या करे वो, पैसों का इंतजाम, कुछ पैसे, सिर्फ 3 लाख रुपए की तो बात है। अरे कहाँ से करेगा वो पैसों का इंतजाम? मैं बताती हूँ, शानी कितना अमीर है, उसका साला, उसको बोलो ना उससे कुछ उधार ले ले, हम वापस कर देंगे। तो पागल वागल तो नहीं हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? मेरा खावर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा।